हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार आपको लागत के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम किस तरह से बनाएं। अब उसी चीज़ को अपन एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि किस तरह से तैयार करें। जैसे क्वेश्चन है ये, कैलाश लिमिटेड का एक ये ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है, इसमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए, ये दे रखा है ट्रायल बैलेंस, इसमें ओपनिंग स्टॉक तीनों का दे रखा है, फिनिश गुड्स का, रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। इधर ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब इन एक्सपेंसेस में ये ओवरहेड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं सारे। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में भी आपको तीन तरह का बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हम तीन तरह से इनका ट्रीटमेंट करते हैं क्वेश्चन में, हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में तीनों तरह से इनको दिखाते हैं। तो इसमें आपको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इसमें फैक्ट्री के कौन से हैं, ऑफिस के कौन से हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से हैं। तो एक बेसिक मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये तो तीनों स्टॉक हो गए। ऑफिस अप्लायंस है, जैसे नाम से स्पष्ट है ऑफिस का खर्चा है। प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग, ये स्थायी संपत्तियाँ हैं, तो इन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, ऑफिस का, सेल्स का और फैक्ट्री का। सेल्स रिटर्न है, ये हम सेल्स में से लेस करेंगे। मटेरियल परचेज्ड, ये डायरेक्ट होता है। फ्रेट ऑन मटेरियल, इसका भाड़ा है तो ये इसी में जुड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ये डायरेक्ट लेबर है और ये इनडायरेक्ट लेबर है, ये लिख रखा है फैक्ट्री का, तो मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही हम इसको शामिल करेंगे। फिर फैक्ट्री सुपरविजन, ये फैक्ट्री में जाएगा। रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री जब स्पेसिफाइड कोई खर्चा किसी का है, फैक्ट्री का, ऑफिस का या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हम उस खर्चे को उसी में हम शामिल करते हैं। फिर हीट, लाइट एंड पावर, अब ये कंबाइंड है, अब ये इसमें फैक्ट्री का भी हो सकता है, ऑफिस का भी हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, तो ये आगे इसका रेशियो दिया हुआ हो सकता है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी तीनों का हो सकता है। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये स्पेसिफिकली फैक्ट्री का दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फैक्ट्री के अंतर्गत ही आएगा। कमीशन ऑन सेल्स, ये सेल्स का है तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस, तो ये ऑफिस से रिलेटेड है तो ये ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस ओवरहेड्स में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, ये सेल्स का खर्चा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये भी सेल्स से रिलेटेड है तो ये भी सेल्स के अंतर्गत आएगा। एडवर्टाइजिंग, ये भी सेल्स में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपको बताया था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, वित्तीय मदें होती हैं, ये इसमें अतिरिक्त सूचनाएँ इस प्रकार से दी हुई हैं प्रश्न के अंतर्गत। पहले प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक होता है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक देखिए, तीनों तरह का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आपको तीन तरह का स्टॉक बताया था, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का होता है और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है। इसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये अपन डायरेक्ट लेबर की अपन डायरेक्ट में जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट की इनडायरेक्ट में जोड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बकाया खर्चे हैं तो ये भी वो वित्तीय मद हो गई, इसलिए इसका कोई लेखा हमें नहीं करना है। डेप्रिसिएशन दे रखा है ऑफिस अप्लायंसेज का 5%, प्लांट एंड मशीन का 10% और बिल्डिंग का दे रखा है 4%। तो पीछे जो प्लांट एंड मशीन और बिल्डिंग जो दिखाई गई थी उसका डेप्रिसिएशन इसमें हमें लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, अब जो कुछ एक्सपेंसेज जैसे आपको बताया था कॉमन खर्चे होते हैं, तो उन कॉमन खर्चों के लिए एक रेशियो दे रखा है हमें, हीट, लाइट एंड पावर का फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, इन तीनों में 8:1:1 का अनुपात में दिया हुआ है। यानी 8/10 फैक्ट्री का, 1/10 ऑफिस का और 1/10 सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी तरह से रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है, 2/3 फैक्ट्री एंड 1/3 ऑफिस, ये दो में ही है, फैक्ट्री और ऑफिस का ही खर्चा है रेट्स एंड टैक्सेस का। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का दे रखा है फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड, ये इसका 8/10, 1/10 और 1/10, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हमें तैयार करनी है, वो किस तरह से हम करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपन को बनाना पड़ता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले जैसा प्राइम कॉस्ट लेते हैं, तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका जोड़ करके हम प्राइम कॉस्ट लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे मटेरियल। अब इसमें चूंकि मटेरियल का इसमें स्टॉक भी दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, तो पहले मटेरियल परचेज लेंगे 3,20,000, ये इसमें जो प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है मटेरियल परचेज जो दे रखा है 3,20,000, ये मटेरियल परचेज लेंगे। अब इसमें चूंकि भाड़ा भी दिया हुआ है इसका, तो भाड़ा भी इसकी कॉस्ट के अंतर जोड़ा जाएगा, तो 3,20,000 में 16,000 जोड़ के 3,36,000 हो गया। अब इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल के स्टॉक का एडजस्टमेंट मटेरियल के अंतर्गत हम करेंगे, तो ये इसमें ये नेट परचेजेज आ गई। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसमें से घटाएंगे, तो ये आपके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो आ जाएगा, कि कितनी सामग्री का उपभोग इसके अंतर्गत किया गया है।
डायरेक्ट मटेरियल के बाद में लेते हैं डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर देखिए कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर इसमें दे रखा है हमें 1,60,000 का, तो ये डायरेक्ट लेबर लेंगे 1,60,000 का। अब इसमें जैसा अभी बताया था आपको कि आउटस्टैंडिंग वेजेज भी दे रखी है डायरेक्ट लेबर की 8,000 रुपये, तो ये इसके अंतर्गत हम ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो गया 1,68,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्रश्न के अंतर्गत कहीं भी इसके अंतर्गत दिया हुआ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल और लेबर इनका टोटल ही इसके अंतर्गत प्राइम कॉस्ट जो है वो कहलाएगा, तो ये दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट हो गया। अब प्राइम कॉस्ट के बाद में ये डायरेक्ट कॉस्ट आ गई एक तरह से। अब इसमें अपन तीनों तरह के ओवरहेड जोड़ेंगे। अब चूंकि इस प्रश्न में ओवरहेड की संख्या अलग अलग हमें दे रखी है, तो पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अलग अलग इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद में फिर अपन इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत दिखाएंगे। तो जो वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट में एक तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो जैसे पहले ये फैक्ट्री ओवरहेड्स इस प्रकार टोटल हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट लेबर, तो ये इनडायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है फैक्ट्री का 18,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये इनडायरेक्ट लेबर हमने ले लिया। फिर इसमें इनडायरेक्ट लेबर की आउटस्टैंडिंग वेजेज भी दे रखी है आपको 1,200 रुपये, तो ये 1,200 रुपये ये इसमें जोड़ेंगे, तो ये इनडायरेक्ट लेबर 19,200 हो गई। अब फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज ओवरहेड्स इसमें दे रखे हैं उनको छांटेंगे हम, कौन कौन से हैं। तो जैसे ये ऑफिस का है, सेल्स का है, ये फ्रेट का, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री सुपरविजन 10,000 रुपये, तो ये फैक्ट्री सुपरविजन 10,000 रुपये हमने यहाँ दिखा दिया। फिर इसके बाद में दे रखा है रिपेयर ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का है 14,000, तो ये फैक्ट्री का रिपेयर ऑफ फैक्ट्री 14,000 हम यहाँ दिखा देंगे। इसके बाद में ये एक सेल्स का है, ये ऑफिस का है, ये सेल्स का, ये भी सेल्स का, ये कोई खर्चा इसमें है नहीं। अब जो खर्चे इसमें दे रखे हैं, ये जो डिवाइड कर रखे हैं खर्चे, एक तो हीट लाइट एंड पावर, ये इसके अंतर्गत हम लेंगे। तो हीट लाइट एंड पावर का खर्चा कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 65,000 रुपये, तो 65,000 रुपये को हम कितने लेंगे, फैक्ट्री का दे रखा है 8/10, तो ये हीट एंड लाइट का 65,000 × 8/10, तो ये 52,000 रुपये इसका खर्चा जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से फिर लेंगे रेट्स एंड टैक्सेस, इसका दे रखा 2/3 फैक्ट्री का है, तो रेट्स एंड टैक्सेस का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6,300 रुपये, तो 6,300 रुपये को हम इसके अंतर्गत लेंगे कितना, 2/3, तो 6,300 का जो है वो ये 2/3 इसमें ये लिया हुआ है यहाँ पर, और ये 4,200 रुपये यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, फिर है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फैक्ट्री का वही 8/10 दे रखा है, तो बिल्डिंग कितने की है, देखो बिल्डिंग इसमें दे रखी है आपको 2,00,000 रुपये की, तो 2,00,000 रुपये की बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना दे रखा है 4%, तो 2,00,000 का पहले लेंगे हम 4%, फिर उसका लेंगे 8/10, तो ये 6,400 बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ गया। प्लांट एंड मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है 10%, तो प्लांट एंड मशीन कितनी दे रखी है, 4,60,500, तो 4,60,500 का लेंगे 10% डेप्रिसिएशन प्लांट का, और ये इसमें केवल इसी का, क्योंकि प्लांट जो है वो फैक्ट्री के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसमें जो है कहीं भी ऑफिस का या उसका नहीं आएगा, तो 4,60,500 का 10% पूरा डेप्रिसिएशन प्लांट का इसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। अब इसके बाद में इसके अंतर्गत जो खर्चे दे रखे हैं, ये अपन ने खर्चे मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब अपने खर्चे इसमें शामिल कर लिए, तो ये सारे खर्चे इसके अंदर जो है वो शामिल करके इनका टोटल करेंगे, तो टोटल 1,70,550 ये फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हम जो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे थे, इसके अंतर्गत जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। प्राइम कॉस्ट में फिर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, तो ये जो हमने निकाले हैं 1,70,500 रुपये, ये 1,70,500 यहाँ इसमें जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट में, तो ये टोटल आ गया। अब ये वैसे तो वर्क कॉस्ट आ जाती है, कारखाना लागत कहलाती है, लेकिन चूंकि इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक भी दिया हुआ है, और ये जो स्टॉक दिया हुआ है आपको बताया था कि इस स्टॉक का हम दो तरह से लेखा कर सकते हैं, हम इसका लेखा एक तो मूल लागत पर कर सकते हैं, एक कारखाना लागत पर करते हैं। तो मूल लागत पर करते हैं तब तो अपन इसको प्राइम कॉस्ट से पहले हमको इसको ऐड करना पड़ता, ऐड लेस करना पड़ता, लेकिन प्रश्न में मूल लागत पर तभी करते हैं जब प्रश्न के अंतर्गत लिखा हुआ हो कि आपको वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन मूल लागत पर करना है। यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब हम इसका मूल्यांकन हमेशा कारखाना लागत पर ही करेंगे। तो कारखाना लागत पर करेंगे तो फिर इसमें यहाँ पर हम ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक इसमें से घटाएंगे, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये कहलाएगा कारखाना लागत, इसको हम वर्क कॉस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, ये कारखाना लागत होगा। अब कारखाना लागत में फिर हम जोड़ते हैं ऑफिस ओवरहेड्स,
तो अब ऑफिस ओवरहेड जैसे अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड निकाले अलग से, वैसे ही ऑफिस ओवरहेड की गणना हमको करनी पड़ेगी। तो ऑफिस से संबंधित खर्चे इसमें कौन कौन से हैं, उन खर्चों को अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे पहले आता ऑफिस अप्लायंसेज 17,400, तो इसका तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 17,400 का डेप्रिसिएशन ऑफिस का दे रखा है इसमें 5%, तो 17,400 का 5% ये डेप्रिसिएशन इसमें लगा दिया। फिर हीट एंड लाइट, इसका दे रखा है ऑफिस का खर्चा कितना था इसमें 1/10, तो हीट एंड लाइट का खर्चा ऊपर हमने लिया था 65,000 था, 65,000 का 1/10 ये इसमें 6,500 आ गया। फिर रेट्स एंड टैक्सेज, ये फैक्ट्री और ऑफिस का 1/3 है, तो रेट्स एंड टैक्सेज 6,300 था, तो इस 6,300 का 1/3 ये 2,100 रुपये यहाँ आ जाएगा। बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन वो भी ऑफिस में दे रखा है 1/10 दे रखा है, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2,00,000 रुपये का 4% जो डेप्रिसिएशन था उसका 1/10 करेंगे तो 800 रुपये ये आ गया। तो इसके अलावा और ऑफिस का खर्चा इसमें है नहीं, तो ये टोटल आ गया 18,870। ये अपन यहाँ दिखाएंगे ऑफिस ओवरहेड में 18,870, तो ये आ गई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं, यानी जितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है उनकी लागत ये है। तो यदि आपको जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है उसकी लागत दी हुई नहीं होती, कई बार क्या होता है खाली यूनिट्स दी हुई होती हैं कि फिनिश स्टॉक इतने यूनिट का बच गया, तो उतना नहीं लेंगे हम, फिर उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये कितने यूनिट की है, जितने यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आधार पर हम फिर इसमें फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो किया करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बची, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका खर्चा और लेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें देखिए कमीशन ऑन सेल्स है, ऑफ आपके ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है, ये चारों खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। तो इन चारों खर्चों को ले लेंगे, ट्रेवलिंग, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज और हीट लाइट एंड पावर। सेल्स कमीशन आएगा, हीट लाइट एंड पावर का कितना खर्चा था, हीट लाइट एंड पावर का दिया हुआ हमें सेलिंग का दे रखा है 1/10, तो हीट लाइट एंड पावर का खर्चा लिया था 65,000, 65,000 का 1/10 यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरह से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन सेलिंग में दे रखा है ये भी 1/10 है, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 2,00,000 का 4% गुणा 1/10 800 ये आ गया। तो ये जो टोटल खर्चे हैं ये आ जाएंगे 52,400, ये ऑफिस का खर्चा इसमें आ जाएगा। तो ये ऑफिस ओवरहेड इसमें दिखा करके आप इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसमें हम ये दिखा देंगे 52,400, इसका टोटल करेंगे तो ये आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिके हुए माल की लागत, जो माल हमने बेचा है उसकी लागत जो है वो ये आ गई। अब सेल्स में से इस कॉस्ट को एडलेस करेंगे, यदि सेल्स की तुलना में कॉस्ट ज़्यादा है तब तो लॉस हो जाएगा, सेल्स की तुलना में कॉस्ट कम है तो डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। अब सेल्स में भी इसमें क्या है कि यहाँ सेल्स रिटर्न भी दे रखा है, जैसे परचेज रिटर्न था वैसे इसमें सेल्स रिटर्न भी इसके अंतर्गत हमें दिया हुआ है। ये सेल्स रिटर्न 14,000 दे रखा है, तो 7,57,730 जो दे रखा है, 7,57,000 इसमें से 14,000 लेस करेंगे तो सेल्स आएगी 7,43,730। अब ये चूंकि सेल्स ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये 29,710 इसमें प्रॉफिट जो है बैलेंसिंग फिगर के रूप में जो है वो आ जाएगा। और जैसा इंटरेस्ट ऑन लोन और उसके बारे में बकाया ब्याज का आपको बताया था कि ये वित्तीय मद है, इसको हम लागत लेखों में शामिल नहीं करते हैं, तो इसका नीचे आपको इस तरह से वर्किंग नोट देना पड़ेगा कि ये वित्तीय मद है इसलिए इसको लागत विवरण में शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इसमें तैयार करते हैं। तो इस प्रश्न में तीनों प्रकार का स्टॉक आ गया, तीनों प्रकार के ओवरहेड्स आ गए, तो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को समझने के लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, जिसको आप सारे खर्चे भी इसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेज इसमें आ गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है वो है। ओके, थैंक यू।